कालू कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा था। ये क्या जिंदगी है? जिंदगी क्या ऐसी होनी चाहिए? जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए, खुद का अपना एक घर हो, अपनी एक खूबसूरत सी बीवी हो, जो मुझे घर बैठे बैठे बाहर से खाना ला कर दे दे, मेरे और मेरी बीवी के दो प्यारे प्यारे बच्चे हो, जो मुझे पापा पापा कहकर पुकारे। अरे बाप रे, मैं तो सोचते सोचते बहुत दूर चला गया। जंगल में सारे पक्षियों का अपना अपना एक परिवार है, उनकी बीविया उनके पतियों की कितने अच्छे से सेवा करती है, और एक मैं हूँ, घर का सारा काम मुझको खुद करना पड़ता है, अनाज भी मुझे खुद ही जाकर लाना पड़ता है। चलो अब भूख लगी है, बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। कालू अपने घोंसले से खाना लाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ पंछी पेड़ पर घप्पे लगाते हुए मिल जाते हैं। तभी नीलो चिड़िया कालू कौवे को आवाज लगाती है। अरे कालू, कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी में? कालू उन पंछियों के पास आ जाता है। अरे कुछ नहीं बहन, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैं खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ा हूँ। तभी सुंदर उल्लू कालू से कहता है, तेरी लाइफ कितनी अच्छी है कालू, ना बीवी का टेंशन और ना बच्चों का, तेरे जो जी में आए तू वो कर सकता है, काश मेरी भी लाइफ तेरी ही जैसी होती। अरे ओ बंटी के पापा, कुछ तो शर्म करो, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और अब आपको ये ख्याल आ रहा है? शादी करने वाले टाइम तो आप बहुत उछल रहे थे, घर चलो अब, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। कालू मैं चलता हूँ, अगर जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे, देख मेरा ये हाल, अच्छा हुआ तूने शादी नहीं की। उल्लू की ये बात सुनकर सारे पंछी जोर जोर से हंसने लगते हैं। किसने कहा मैं शादी नहीं करना चाहता? मुझे भी लगता है मैं घर पे आराम करूँ और मेरा सारा काम मेरी बीवी करे, मेरा भी एक सुंदर सा परिवार हो। लेकिन क्या करूँ, कोई पिता अपनी लड़की मुझे क्यों देगा, मैं तो दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता हूँ। अरे कालू, मेरे गांव में एक सुंदर और गोरी दिखने वाली कौवी रहती है, उसके माता पिता बहुत अमीर हैं। अगर तू कहे तो मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करती हूँ। शादी तो मैं करना चाहता हूँ नीलो बहन, लेकिन जैसे तुमने कहा कि वो लड़की तो बहुत अमीर घर की है, तो क्या वो मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगी? अरे क्यों नहीं मानेगी, मैं मनाऊंगी उसके माता पिता को, हम उनसे झूठ कहेंगे कि तुम इस जंगल के राजा हो और तुम्हारा इस जंगल में एक बहुत बड़ा महल है और तुम भी बहुत अमीर हो। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है नीलो, हम इस कलमोही कालू कौवे के लिए उस गोरी कौवे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। टीनू मौसी, हम सब जानते हैं कि कालू कोई काम नहीं करता, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, आप क्यों उस बेचारे की खुशी पर पानी फेर रही हो? मैं जानती हूँ कालू शादी के बाद उस गोरी कौवे को बहुत खुश रखेगा। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा, मैं अब चलती हूँ, अब मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता। कालू भैया आप नाराज ना हो और टोनी मासी की बातों की तरफ ध्यान मत दो, कल मैं और नीलो चिड़िया गोरी कौवे के माता पिता के पास जाकर तुम्हारी शादी की बात करेंगे। शुक्रिया लाडो बहन, मैं वादा करता हूँ गोरी कौवे को मैं बहुत खुश रखूँगा। दूसरे दिन सुबह लाडो और नीलो चिड़िया गोरी कौवे के जंगल में आ जाती है, वे दोनों गोरी के माता पिता के घर आ जाते हैं। अरे गोरी की माँ, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीलो। गोरी कौवे की माँ अंदर से दरवाजा खोल देती है। अरे नीलो तुम कैसी हो, और ये चिड़िया बहन कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो इसे इस जंगल में पहली बार देखा है। जी मेरा नाम लाडो है, मैं और नीलो चिड़िया एक दूसरे के पड़ोसी है। अच्छा तो ऐसी बात है, आओ कहो नीलो आज मायके कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल तो है ना? जी सब कुशल मंगल है, मैं तो आपकी बेटी गोरी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। जैसे ही गोरी ने नीलो चिड़िया और अपनी माँ को अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुना, वो तो शर्म के मारे किचन में चली गई। अरे रानो तुम तो बहुत अच्छी खबर लाई हो, बताओ कहाँ से लाई हो ये रिश्ता?
लड़का क्या करता है। अजी क्या बताऊँ आपको लड़के के बारे में, मैं जिस जंगल में रहती हूँ उस जंगल का वो राजा है। राजा जंगल में उसके बहुत सारे बड़े बड़े घर है। अरे वाह रानो, तुम तो बहुत अच्छा रिश्ता लाई हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम कह रही हो तो लड़का अच्छा ही होगा, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। बताओ कब निकालना है शादी का मुहूर्त? आप राजी हो तो अगले हफ्ते का ही निकालते हैं। हमें हमारे राजा की शादी की तैयारी में इतना वक्त तो लगेगा ही ना। जी ठीक है, जैसा आप कहे लाडो बहन। चलिए गोरी की माँ, अब हम चलते हैं, हमें बहुत काम है। नीलो और लाडो अपने जंगल में वापस लौट आती है। एक हफ्ता गुजर जाता है और कालू कौवे की शादी का दिन आ जाता है। जंगल के सारे पक्षी कालू कौवे को लेकर गोरी कौवे की जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। कालू कौवे और गोरी कौवे की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। कालू बहुत ज्यादा खुश था और वे शादी के बाद अपनी बीवी को अपने जंगल की तरफ अपने घर लेकर आता है। अरे ये क्या, ये कैसा घर है? ना छत है ना खिड़की, कितना बेकार घर है ये तो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई, अब मैं कैसे इस घर में रहूंगी। अरे भगवान तुम रो क्यों रही हो, ये तो हमारा फॉर्म हाउस है। मैंने हम दोनों के लिए एक नया घर बनाया है, उसका अभी थोड़ा काम बाकी है, तब तक हम इस घर में रहेंगे। अच्छा जी, तो ये बात है, फिर ठीक है। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना सोचे समझे ही आप पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं गोरी, अब एक काम करो तुम, मुझे बहुत भूख लगी है, अब हम दोनों के लिए जल्दी से खाना बनाओ। अच्छा ठीक है जी, अभी बनाती हूँ मेरे प्यारे पति देव। कालू कौवा घोंसले के बाहर आराम से तारे देख रहा था। हाँ इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कालू घर में ही पड़ा रहता था, बिचारी गोरी घर का सारा काम करती रहती थी और बाहर से खाना भी लाती थी। एक दिन टोनी मौसी ने गोरी को बाजार से सौदा लेते हुए देख लिया। अरे क्या तुम वही लड़की हो जिसकी शादी उस कलमुहे कालू कौवे से हुई है? हाँ माँ जी वो मैं ही हूँ, आप मेरे पति को ऐसा क्यों कह रही है? अरे वो पागल लड़की, क्या तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे जैसे कम अकल के हैं? जो उन्होंने तेरी शादी उस कौवे से करवा दी। आप होती कौन हो मेरे माता पिता के बारे में ऐसे अनाप शनाप बोलने वाली? मेरा नाम टोनी मौसी है, तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है लड़की, तुझे तो पता भी नहीं उस मूर्ख नीलो चिड़िया और लाडो ने मिलकर तुझे और तेरे माँ बाप को बेवकूफ बनाया है। आप सीधा सीधा बोलिए ना माँ जी, आप कहना क्या चाहती हो? अरे लड़की जिस कालू कौवे से तूने शादी की है वो कोई इस जंगल का राजा वाजा नहीं है, वो तो एक कामचोर और दिन भर घर पर पड़ा रहने वाला अलसी कौवा है। नहीं नहीं आप झूठ बोल रही हो, उन्होंने हम दोनों के लिए एक घर भी बनाया है, वहाँ का थोड़ा काम बाकी है, इसीलिए हम उनकी फार्म हाउस पर अभी रुके हुए है। अरे रे रे रे, अब तो मुझे तुम पर दया आ रही है। अरे बेटी तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है तो तुम किसी से भी पूछ लो, नहीं तो एक काम करो घर जाकर खुद के पति से ही पूछ लो। तुम उसे अपनी माँ की कसम खाने के लिए बोलना, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। ठीक है मैं अभी जाकर उनसे पूछ लेती हूँ। गोरी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वे बाजार से सौदा लेकर सीधा घर की तरफ निकल पड़ती है। घर आकर गोरी कौवे को सारी बात बता देती है। गोरी कालू से सच सच कहने के लिए कहती है। पहले तो कालू गोरी को झूठी तसल्ली देकर चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन जब गोरी कालू को अपनी माँ की कसम खाने को कहती है तब मजबूरन कालू कौवा गोरी को सब कुछ सच सच बता देता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई, अब मैं मेरे माँ और पिताजी को क्या जवाब दूंगी? अरे ओ कालू कौवे तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। कालू कौवे ने गोरी को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन गोरी ने उसकी एक न मानी और गोरी कालू कौवे को छोड़कर अपने मायके वापस चली गई। दोस्तों अब आगे क्या होगा, क्या गोरी कालू के लाइफ में वापस आ जाएगी, क्या कालू कौवा उसे मना पाएगा, देखते हैं अगले पार्ट में।